हेलो दोस्तों, अपर निजी सचिव APS का जो स्किल टेस्ट था वो पूरी तरीके से अब समाप्त हो चुका है। 28 जून को स्टार्ट हुआ था स्किल टेस्ट और 18 जुलाई को समाप्त हो गया है। तो हमने ऑफलाइन वाले बच्चों से भी बात करी है और कुछ बच्चे जो ऑनलाइन में पढ़ते थे उनसे भी हमने बात करी है। तो उन लोगों ने ओवरऑल सभी बच्चों ने ये बोला है कि हमको डिक्टेशन में 80 और 85 के बीच में ही डिक्टेशन वहाँ पे बोली गई थी और ज़्यादातर बच्चों का लिख गया है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनकी प्रैक्टिस कम थी और तो वो उनका नहीं लिख पाया है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों का लिखा है। मतलब कि जो डिक्टेशन से सभी बच्चे संतुष्ट थे कि ज़्यादा तेज़ नहीं है। टाइपिंग को लेकर के बात करी गई है तो कुछ कुछ बच्चे कह रहे सर मॉडरेट थी, कुछ लोग कह रहे सर ठीक थी। तो टाइपिंग का तो जिसने ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करी होगी, जितना ज़्यादा समय दिया होगा तो उनको फ़ायदा हुआ। ओवरऑल जिस बच्चे ने स्टेनो टाइपिंग पे लेकर के फोकस अच्छा किया है तो उसका सबका स्किल टेस्ट अच्छा हुआ है। अब रिजल्ट की हम लोग बात करेंगे तो रिजल्ट में तो आयोग ने बोल के रखा हुआ कि एक भी गलती माफ़ नहीं है, तो ऐसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले तो आपको डिक्टेशन बोली जाएगी, फिर कॉपी पे ऐप पे आप स्टेनो लिखेंगे, उसके बाद टाइप करेंगे तो कहीं ना कहीं 2-4-10 गलती तो होनी ही होनी है। ऐसा होगा ही नहीं लड़का जिसकी एक भी गलती ना है। तो इस पर कुछ ना कुछ आयोग विचार करेगा। और ज़्यादातर बच्चा हमसे पूछता है कि सर इसमें क्या कुछ कितनी गलतियाँ माफ़ होंगी या कुछ, ऐसा भी आयोग ने कुछ नहीं दिया है, लेकिन हाँ इस पर यह है कि संशोधन तो ज़रूर होगा। 11 जुलाई को हम स्किल टेस्ट दिलाने के लिए गए थे तो वहाँ पर बहुत से ऐसे बच्चे मिले जो कह रहे थे सर आप स्किल टेस्ट दे रहे हैं, हम अब क्या स्किल टेस्ट देंगे, आप लोग तो हमसे इतना तेज़ी से लिख ही लेते हो तो अब हम आप लोगों को बीट नहीं कर पाएंगे। तो जो हमारे बच्चे हैं जो कोचिंग में छात्र हैं उन लोगों का स्किल टेस्ट सबका बस अच्छा हो जाए, यही बस हमारी उम्मीद है। अब देखिए जब रिजल्ट आ जाएगा, अब रिजल्ट आने के बाद देखिए आप लोग ना रिजल्ट का वेट मत करिए, क्योंकि जिस बच्चे को लगता कि मेरी 10 से 20 गलती के आसपास ही आएगी शॉर्ट हैंड में, तो वो आराम से कंप्यूटर की तैयारी बहुत अच्छे से करने लगे। लूज मत करें कि अरे अभी रिजल्ट आ जाएगा फिर हम कंप्यूटर की तैयारी करेंगे, क्योंकि जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद आपको ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलेगा। ज़्यादा ज़्यादा वो हमें लगता है 15 से 20 दिन मिलेगा, फिर आप कहेंगे जल्दी जल्दी से कैसे हो पाएगा। तो जिस लड़के को लगता है जिसकी 10 से 20 गलती के आसपास है वो लड़का आराम से अपना प्रैक्टिकल चालू कर सकता है और ज़्यादा से ज़्यादा फोकस जो है वो कंप्यूटर पे ही करे। तो जितनी ओवरऑल सारी बातें थी वो हमने आपको बता दी है। और जब हम सेंटर में गए थे तो वहाँ पे हमको एक लड़का मिला था, उसका हमको रिव्यू बहुत अच्छा लगा था। हमने उससे पूछा भाई कैसे डिक्टेशन बोली गई है, तो कह रहा है सर हमारी जो स्पीड है वो थी नहीं, मतलब वो लिख नहीं पा रहा था, लेकिन कह रहा था हमको ये पता था कि जिस बच्चे ने 6 से 10 महीने के आसपास पढ़ा होगा उसकी डिक्टेशन आराम से लिख जाएगी। क्योंकि वो लड़के का रिव्यू में बहुत अच्छा लगा, वो सीधा बोला था कि सर हमारी प्रैक्टिस नहीं थी, बाकी जितने बच्चे थे सबका लिख रहा था। कि उसने ओवरऑल बहुत अच्छी बात बोली कि रिव्यू ऐसा ही मिलना चाहिए कि जिस बच्चे का नहीं हुआ है लेकिन उसने सही बात अपनी बताई है। बाकी कोई भी अपडेट आएगी APS से जुड़ी तो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताएंगे। थैंक यू।